वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर फाइनली स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं। लेटेस्ट फोटो देखने को मिली है इस बारे में, एंड डिस्कस करने वाले हैं ऑल्सो रोमन रेंस को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि आज के स्मैकडाउन के अंदर न्यू ट्राइबल चीफ देखने को मिले, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करने वाले हैं और भी अच्छी खासी अपडेट्स के बारे में, ड्रू मैकइंटायर से रिलेटेड और दी ओसी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और यह हमें देखने को मिल रहा है जो कि है, और यह है दी ओसी के रियूनियन को लेकर। तो आज अगर आप लोगों ने दी ए फनामिनल वन एजी स्टाइल्स एंड ऑल्सो कोडी रोड्स का सेगमेंट देखा रहेगा तो आप लोग को पता चल गया रहेगा कि भाई जो एजी स्टाइल्स है उनका हमें रियूनियन देखने को मिल चुका है पूरे ओसी के साथ में, यानी कि जो लूक गैलवेस एंड कार्ल एंडरसन थे अभी तक उनके साथ में वो नहीं देखने को मिल रहे थे, उनसे दूरियां बना रहे थे, बट अब यहाँ पर उनके साथ में वो देखने को मिल रहे हैं। यानी कि एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर रियूनियन दिखा चुकी है। पिछले हफ्ते रिटायरमेंट का बहाना लेकर इन तीनों सुपरस्टार को एक साथ लाते हुए दिखाई दी डब्ल्यूडब्ल्यूई, और अब इस हफ्ते से इन तीनों सुपरस्टार को एक साथ ला चुकी है। यानी कि पिछले ही हफ्ते और इस हफ्ते ऑफिशियली रियूनियन हम लोग कह सकते हैं कि देखने को मिल चुका है दी ओसी का, और अब दी ओसी हमें साथ में देखने को मिलेगी। और अगर मैच के अंदर जो कोडी रोड्स वर्सेस द फेनोमिनल वन एजी स्टाइल्स आईक्विड मैच देखने को मिलता है, अगर उस वाले मैच के अंदर इंटरफेयर होता है जो कि हमें देखने को मिलेगा लूक गैलवेस एंड कार्ल एंडरसन की तरफ से, तो डेफिनेटली समझ जाना कि फिर यहाँ पर हमें हील टर्न इन सभी सुपरस्टार्स का भी देखने को मिल चुका है, डी ओ सी का भी। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर लुडविक काइसर को लेकर देखने को मिल रहा है। तो भाई लुडविक काइसर चाहते हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ में मैच। तो उनका ये कहना है कि भाई देखो यार, मेरा एक ड्रीम अपोनेंट रहा है बचपन से ही, और वो ड्रीम अपोनेंट कोई और नहीं, वो ड्रीम अपोनेंट थे रैंडी ऑर्टन, और रैंडी ऑर्टन के साथ में लुडविक काइसर मैच रसल करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर लुडविक काइसर की तरफ से देखने को मिलता है। पहले तो भाई यहाँ पर जो मसला है रैंडी ऑर्टन को वो सॉल्व करना है गंथर के साथ में, गंथर को पीट पाट के पवारना है, तब उसके बाद यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को अगर मन करेगा तब लुडविक काइसर के साथ में वो लड़ देंगे। बाकी देखते हैं, अगर ये होता है फाइट तो अच्छा ही रहेगा, बट मुझे लगता है ये किसी रॉ के मेन इवेंट का या फिर रॉ के मिड शो का मैच होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं, क्योंकि लुडविक काइसर को उतना बिल्ड नहीं किया गया है, ना ही कोई उतने बड़े तोप हैं, तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी हमें इनके बीच में कुछ ऐसा बड़ा एंगल देखने को मिले जिससे इन दोनों सुपरस्टार का मैच किसी पे पर व्यू के अंदर देखने को मिले। तो मिड शो के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी ना कभी इन दोनों का पाथ क्रॉस होगा और मैच देखने को मिल जाएगा, मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो ड्रू मैकइंटायर का हमें देखने को मिल सकता है स्पेशल एंट्रेंस। सो रिपोर्ट्स क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सो रिपोर्ट्स ये है कि भाई ड्रू मैकइंटायर स्पेशल एंट्रेंस क्लैश एट द कैसल में देते हुए दिखाई दे सकते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस थिंग को लेकर प्लान भी कर रही है। यानी कि अब समझ सकते हैं कि हमें कुछ ऐसा स्पेशल एंट्रेंस देखने को मिलेगा जो कि थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, लाइक हेलीकॉप्टर से उतरते वक्त फिर उसके बाद वहाँ से एंट्रेंस देते हुए, ऐसे कुछ एंगल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वेल, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। आई होप सो कि कुछ ड्रू मैकइंटायर का तगड़ा वाला एंट्रेंस देखने को मिले, क्योंकि वो पिपाड़ी पुपोड़ी वाला भाई और तलवार वाला एंट्रेंस तो हमेशा देखने को मिलता ही है। आई होप सो कि कुछ नया यूनिक देखने को मिले ड्रू मैकइंटायर के एंट्रेंस में। रसलमेनिया तो मैंने तो कुछ स्पेशल दिया नहीं, तो आई होप सो कि क्लैश एट द कैसल में ही इनके होम टाउन में कुछ स्पेशल देखने को मिल जाए, तो वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑस्टिन थियरी एंड ग्रेसन वॉलर के ब्रेकअप को लेकर। तो भाई आज का भी स्मैकडाउन के अंदर अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो वहाँ पर भी टीज किया गया है इन दोनों का ब्रेकअप। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि कैसे टीज किया गया। जॉनी गर्गानो के साथ में मैच था जहाँ पे ग्रेसन वॉलर का, और उस मैच के अंदर ग्रेसन वॉलर जीतते हुए दिखाई देते ऑस्टिन थियरी के हेल्प की वजह से, बट ऑस्टिन थियरी यहाँ पर हर्ट होके गिरे हुए रहते हैं और ग्रेसन वॉलर वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ऑस्टिन थियरी को देखकर पसंद नहीं आ रही, उनके चेहरे से क्लियरली पता चल रहा है कि भाई उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही जो ग्रेसन वॉलर उनके बिना ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन अपने आप को ग्रेट बता रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऑस्टिन थियरी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, और जिस तरीके से टीजेज है ये करंटली कंफर्म है कि हमें मनी इन द बैंक तो इन दोनों सुपरस्टार का मैच देखने को मिल जाएगा।
मनी इन द बैंक या फिर समर स्लैम तक एक्सपेक्ट कर लो, ये दोनों सुपरस्टार लड़ देंगे। बाकी बात कर लेते हैं, वैसे अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये है जो कि भाई रोमन रेंस को लेकर। सो अभी रोमन रेंस करंटली इनको लेकर क्या कुछ अपडेट है कि वो हमें समर स्लैम से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न देखने को मिलेगा। बट जिस तरीके से हफ्ते दर हफ्ते रोमन रेंस के चांस देखने को मिल रहे हैं, वी वॉन्ट रोमन रेंस देखने को मिल रहा है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न काफ़ी जल्द ही देखने को मिलेगा। और आज के स्मैकडाउन के अंदर इस चीज़ को लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टीज भी देखने को मिला कि भाई रोमन रेंस की जगह सोलो सिकोवा को आज ऑफिशियली ट्राइबल चीफ बना दिया गया है पॉल हेमन की तरफ से। जब तक रिटर्न नहीं करते हुए दिखाई देंगे रोमन रेंस, तब तक सोलो सिकोवा ट्राइबल चीफ होने वाले हैं ब्लड लाइन के। तो यानी कि अब यहाँ पर ऑफिशियली उनको ट्राइबल चीफ पॉल हेमन ने घोषित कर दिया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर सोलो सिकोवा की तरफ से और भी एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि जास्ती करते हुए दिखाई देंगे, और वो भी पॉल हेमन के ऊपर देखने को मिल सकता है। ब्लड लाइन के साथ में तो ऑब्वियसली उतना नहीं करते अपने वाले नई वाली ब्लड लाइन के साथ में, बट पुरानी वाली ब्लड लाइन के साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं और पॉल हेमन को ये ज़्यादा परेशान करेंगे। तो हो सकता है कि ये काफ़ी जल्द ही हमें लीड करते हुए दिखाई दे जाए रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर। और तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द हमें रोमन रेंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सोलो सिकोवा को ट्राइबल चीफ अभी तक अनाउंसमेंट कर दिया गया है, तो ट्राइबल चीफ को वापस क्लेम करने के लिए अपने इस किंगडम को आना पड़ेगा और वो चीज़ हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी कब तक वो चीज़ें होती है और कब तक रोमन रेंस हमें देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है भाई मनी इन द बैंक तक, पता नहीं क्यों मुझे लगता है मनी इन द बैंक तक आ ही जाएंगे। मनी इन द बैंक या मनी इन द बैंक के बाद के स्मैकडाउन के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी वैसे बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अपडेट द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर है। तो भाई ब्रॉक लेसनर फाइनली स्पॉट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो ब्रॉक लेसनर के फैन पेजेस बहुत सारे हैं, वैसे तो ब्रॉक लेसनर के फैन पेज पे यहाँ पर इनको लेकर फोटो देखने को मिलती है जैसा कि आप देख सकते हो। और उस फैन पेज का कहना है कि भाई ये लेटेस्ट फोटो है, वैसे इससे पहले का जो फोटो आया था उसको भी लेटेस्ट बताया था, वो फोटो पहले तो देखने को मिल चुकी थी, बट यहाँ पर ये जो फोटो है ये एक्चुअली में लेटेस्ट है। ये फोटो कहीं पे भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी, वो फैन पेज की तरफ से हमें देखने को मिला है जैसा कि आप देख सकते हो। उसने कहा है कि भाई ये लेटेस्ट फोटो है, तो मान लो ना, एक्सपेक्ट कर लो भाई ये लेटेस्ट फोटो है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अपनी बेटी के साथ में देखने को मिल रहे हैं, जो स्पोर्ट में वो वहाँ पर उसका हौसला बढ़ाने के लिए गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ब्रॉक लेसनर की तरफ से देखने को मिल रहा है। आई होप सो कि वो रिंग के अंदर भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इन सारे अपडेट्स को लेकर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर फॉलो कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। बार ये गेम करे खून मेरा बॉल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी, इन्हें ले लिया सौ फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।